नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और स्वागत करता हूँ आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरीवन सैंग, जो हमारा चैप्टर है। सो उसी चैप्टर का जो कि लिखा हुआ है सैगफ्रिड सैसून के द्वारा, सो इस चैप्टर का आज हम लोग समरी पढ़ने वाले हैं। ओके, और इस समरी का आप लोगों को इंतज़ार था। ओके, तो चलिए ये इंतज़ार अब ख़त्म होता है। और भी अगर कुछ बाकी हो गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का समरी। ये चैप्टर क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। बार बार लोग कमेंट करके पूछते हैं कि किस लिए इम्पॉर्टेंट है, किस क्लास के लिए। ओके, सो चलिए स्टार्टअप करते हैं। बिहार बोर्ड के 50 मार्क्स इंग्लिश के लिए ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, VVI है। ओके ना, सो ये समरी है हमारे सामने। द पोएम एवरी वन सैंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द पोएट सिगफ्रीड सैसून। ओके, सो ये जो हमारा चैप्टर है एवरीवन सैंग, ये लिखा हुआ है, इसको कंपोज किया गया है एक राइटर है, उनका नाम है सिगफ्रिड सैसून। तो उन्हीं के द्वारा जो है ये चैप्टर कंपोज किया गया है। ही हैज कंपोज्ड मैनी वॉल्यूम्स ऑफ लिरिक्स एंड सटायर्स। सो देखो, ये सिगफ्रिड सैसून जो है, इन्होंने केवल यही चैप्टर नहीं कंपोज किया है, इसके अलावे उन्होंने बहुत सारे लिरिक्स जो हैं उनको भी कंपोज किया हुआ है। मतलब कि बहुत सारे लिरिक्स का मतलब होता है गीत। ओके, सो उनको भी इन्होंने कंपोज किया है, और साथ ही साथ बहुत सारे जो व्यंग रचनाएं हैं, मतलब जिनको हम लोग प्रहसन बोलते हैं, सटायर्स, सो उनको भी इन्होंने कंपोज किया हुआ है। ओके, द प्रेजेंट पोएम इज एन एंटी वार पोएम विच रेफर्स टू द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो अभी हमारे सामने जो कविता है ये एक एंटी वार पोएम है। एंटी वार पोएम का मतलब कि ऐसे तो परीक्षा में अगर मान लो ऑप्शन में आए कि कौन सा इसमें से वार पोएम है तो आप इसको मार सकते हो, लेकिन कविता में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है ना, उसके अंत को दिखाया गया, उसके एंड को दिखाया गया है। तो ये कविता चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड को रेफर करती है, इसलिए मैंने इसको बोला है एंटी वार पोएम। ओके, द पोइट सेज, कवि कहते हैं, डैट द एंड ऑफ द वॉर हैज अ स्प्रीड ग्रेट ज्वा एंड हैप्पीनेस एवरी वॉर। तो कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि एंड ऑफ द वॉर, मतलब कि जो युद्ध की समाप्ति हुई ना, हैज अ स्प्रीड ग्रेट ज्वा एंड हैप्पीनेस एवरी वॉर। तो उसने क्या किया कि मतलब चारों तरफ, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, जैसे ही ये खबर आई लोगों के सामने कि फर्स्ट वर्ल्ड वार अब समाप्त हो गया, वैसे ही चारों तरफ जो है एकदम जुआ फैल गया, हैप्पीनेस फैल गया। ओके, सब लोग एकदम से खुश हो गए, सबका मन जो है वो आनंद से भर गया। ओके, और फिर क्या हुआ, द पोएट, और ये जो खुशी है ना, इसी खुशी को कवि ने कंपेयर किया है। द पोएट कंपेयर्स हिज जुआ विद डैट ऑफ दोज बर्ड्स हु हैव बीन सडनली सेट फ्री फ्रॉम देयर कीप्स। सो कवि ने मतलब इस खुशी को, ये चूँकि कवि जो है खुद एक सैनिक है, ओके, सो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस खुशी को मतलब कंपेयर किया है किस रूप में, कि जैसे चिड़ियाँ जो हैं वो क्या है, वो पिंजरों में केज में जो है वो क्या है, बंद है, केप्स बोल दिया है मैंने, सॉरी, केज में जो है वो बंद हैं, और वो जो है वहाँ से जैसे मतलब कि पिंजरों से चिड़िया जैसे आज़ाद हुई हो, ठीक वैसे ही ये वर्ल्ड वार जो है ये मतलब सैनिकों के लिए एक आज़ादी है। मतलब इतने सालों से सैनिक जो थे एक तरीके से जो वो बंद थे, उनको भी इंतज़ार था कब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा। सो आज फाइनली वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया है और आज सैनिक जो हैं वो फ्री हो गए हैं। तो इनकी आज़ादी जो है एकदम उसी तरीके से है, द वार इज़ लाइक अ प्रिजन, और जो युद्ध है ना वो एक प्रिजन की तरह है, एक जेल की तरह है। व्हेन इट एंड्स इट गिव्स फ्रीडम एंड डिलाइट। तो जैसे ही युद्ध ख़त्म होता है ये लोगों को दो चीज़ें प्रदान करता है, एक तो फ्रीडम प्रदान करता है, और साथ ही साथ दूसरा जो है डिलाइट प्रदान करता है, मतलब खुशी प्रदान करता है। द हॉरर एंड अग्लीनेस ऑफ वार टाइम कम टू एन एंड, और जो युद्ध है, युद्ध का जो हॉररनेस है, मतलब जो भयानकता है उसका, वो भयानकता ख़त्म हो गया, उसकी अगलीनेस ख़त्म हो गई, उसकी बदसूरती अब ख़त्म हो चुकी है। एवरी वन फील्स फ्री, सभी लोग अपने आप को एकदम फ्री महसूस कर रहे हैं। सो एवरी वन इज़ सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार,
इसलिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के एंड को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इवन एवरी सोल्जर इज हैप्पी, और यहाँ तक कि सभी जितने भी सैनिक हैं वो सारे के सारे हैप्पी हैं। दे आर सिंगिंग, वे लोग गा रहे हैं। द सॉन्ग मे बी वर्डलेस, लेकिन कभी कहते हैं कि ये गाना जो है ना ये वर्डलेस है, ये निःशब्द है, बट इट इज़ फेल्ट बाई एवरी सोल्जर, लेकिन ये गाना सभी सैनिकों के द्वारा इसको महसूस किया जा रहा है। द पोएट एक्सप्रेसिज हिज ज्वा बाई सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ ज्वा विल नेवर बी फेल्ट अगेन, और कभी जो है मतलब इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, अपनी खुशी को बताता है, उसका इजहार करता है ये कह के कि दिस काइंड ऑफ ज्वा, इस तरीके की खुशी विल नेवर बी फेल्ट अगेन, ऐसी खुशी फिर कभी महसूस नहीं की जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।